एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान से गुजरते वक्त अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर ढुलने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन न तो वह जमीन से उखड़ा और न ही टूटा। शिष्य बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद बुद्ध पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा लेकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। रास्ते में बुद्ध ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा, तुमने सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे तो पेड़ पौधे की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह से मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और जान बचा ली। बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बुद्ध ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। बुद्ध ने शिष्य को कहा, पुत्र पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बुद्ध ने शिष्य को कहा, हमें बांस की इसी लचीलेपन को खूबी से अपनाना चाहिए। बेजुआन प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। तेज हवाएं बांस के झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जिंदगी में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े गौर से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगुनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना, बस मुश्किलों के समय में टूटना नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुसीबतें जाएंगी हम फिर से अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।